फिर नमस्कार, आज हम बात करने वाले हैं प्लेटलेट्स के बारे में और प्लेटलेट्स को किस तरह से आप बढ़ा सकते हैं ओनली 5 डेज़ में। देखिए, वीडियोस बहुत ही शॉर्ट हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आपको प्लेटलेट से रिलेटेड कोई परेशानी है, अगर आपको डेंगू फीवर है, तो आप इस वीडियो को स्किप नहीं कीजिए, क्योंकि ये वीडियो आपके लिए कारगर साबित होने वाली है। इस वीडियो में केवल यही बताने वाला हूँ क्या ऐसा फॉर्मूला है जिससे प्लेटलेट्स को 5 डेज़ के अंदर आप बढ़ा सकते हैं विदाउट ज़्यादा कोई खर्च किए हुए। आपको कुछ नहीं करना है, नॉर्मली एक मेडिसिन लेके आने हैं। अगर आपको प्लेटलेट्स कम है, पेशेंट को, किसी भी पेशेंट को प्लेटलेट्स कम है, किसी को डेंगू है, तो आप वो ड्रॉप्स उसके दे सकते हैं और उस पेशेंट को आप रेगुलर मॉनिटर कीजिए। उस पेशेंट की बड़ी स्पीड से प्लेटलेट्स उसकी बढ़ जाएगी और नॉर्मल भी हो जाएगी। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, अगर आपने बेल आइकन बटन को ऑन नहीं किया तो बेल आइकन बटन को ऑन करना। अगर इस वीडियो से रिलेटेड आपको कुछ पूछना है तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना, क्योंकि ये वीडियो थोड़ा सा ऐसा है कि आपको कुछ ना कुछ कोई ना कोई क्वेश्चन आपके माइंड में आएगा जिसे आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं बिना किसी परेशानी के। चलिए, आज हम केवल यही जानेंगे कि प्लेटलेट्स को किस तरह से बढ़ा जाए। देखिए, कई सारी मेडिसिंस पेशेंट को खाने को देते हैं, कई सारी मेडिसिंस हैं जो मार्केट में आती हैं, लेकिन आज मैं एक ऐसा फॉर्मूला आपको बताने वाला हूँ जो कि मार्केट में भी अवेलेबल है और आप घर पर भी उसे यूज कर सकते हैं। देखिए, सबसे पहला बात ये करते हैं कि प्लेटलेट्स होती कितनी है। नॉर्मली प्लेटलेट्स बॉडी में, ह्यूमन बॉडी में 1.5 लाख से 4 लाख होनी चाहिए। अगर इससे कम होती है तो भी प्रॉब्लम होती है, इससे ज़्यादा होती है तो भी प्रॉब्लम होगी। मान लीजिए अगर किसी की प्लेटलेट से 1.5 लाख से नीचे आती है, अब आपको करना क्या है, 1.5 लाख जो है वो बाउंड्री लाइन है, अगर इससे नीचे आती है तो प्रॉब्लम होगी। जैसे डेंगू, नॉर्मली कॉमनली एक एग्जांपल है डेंगू फीवर, डेंगू फीवर में अक्सर प्लेटलेट्स डाउन हो जाती है। अब हम बात करेंगे इसे बढ़ाया कैसे जाए। सबसे पहले मैं आपको घरेलू उपाय बताता हूँ। अगर आपके घर में या आसपास पपीते का पत्ता है, पपीते का पेड़ है, आप उसके पत्ते 5 या 6 पत्ते अच्छे से साफ करने के बाद उनका रस निकाल लीजिए। रस निकालने के बाद पत्तों में से रस निकालना है, याद रखना है। याद रखने वाली बात फिर से मैं बताता हूँ, पपीते के पत्तों में से रस निकालना है, उन रस को आप पेशेंट को पिलाइए। जैसे 15 साल से 20 साल से ऊपर है कोई भी पेशेंट, तो आप उसे 4 या 5 ml का जो रस होता है वो दिन में 2 बार या 3 बार दे सकते हैं। ये आपको पिलाना है अगर 15 साल से ऊपर का कोई पेशेंट है तो। अगर उससे नीचे है तो आप थोड़ी सी उसकी मात्रा कम कर दीजिए, ठीक है, जैसे 2 ml है, 2.5 ml है। छोटे 5 साल के नीचे के जितने बच्चे हैं उनको आपको नहीं पिलाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा क्या फॉर्मूला है। एक होम्योपैथी की मेडिसिन आती है इपिटोरियम पर्फ, मार्केट में आपको बड़ी आसानी से मिल जाएगी इपिटोरियम पर्फ। मैं आपको बता देता हूँ इपिटोरियम पर्फ आपकी, इसको स्पेलिंग आप लिख लीजिए, स्पेलिंग है EUPATORIUM। फिर से मैं आपको रिपीट करता हूँ, EUPATORIUM। ओके, फिर से उसका जो पीछे का सॉल्ट फॉर्मूला है उसे हम बोलते हैं PER। ओके, ये होम्योपैथी की मेडिसिन है और शायद दुनिया की बेस्ट मेडिसिन है प्लेटलेट्स को बढ़ाने के लिए। शायद इससे अच्छी मेडिसिन अभी तक मेरे हिसाब से नहीं है, लेकिन बहुत ही शानदार मेडिसिन है, बहुत ही अच्छी मेडिसिन है, आप इस मेडिसिन पर भरोसा कर सकते हैं। लेकिन आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा, जब भी आप इस मेडिसिन को लें तो आपको डोज किसी डॉक्टर से पूछना है। आप घर पर इस मेडिसिन को न यूज करें, यानी कि ये मेडिसिन कभी भी अगर आपको यूज करनी है तो डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लेना। बिना डॉक्टर के सलाह के इस मेडिसिन को घर पर यूज नहीं करना, क्योंकि कुछ थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट भी हो सकते हैं। इसलिए इस मेडिसिन को घर पर यूज विदाउट डॉक्टर के कंसल्ट के नहीं लेना है। दूसरी बात, ये जो मेडिसिन है, इस मेडिसिन को कंसल्ट भी आपको होम्योपैथिक डॉक्टर से ही करना है, क्योंकि अलग अलग पैथीज के डॉक्टर्स को इस मेडिसिन के बारे में या अदर मेडिसिन के बारे में नहीं नॉलेज होती है।
तो आपको जब भी ये मेडिसिन यूज करनी है तो डॉक्टर से ज़रूर कंसल्ट करें, उनको बताएं पेशेंट की परेशानी क्या है और उस हिसाब से वो डोज बताएंगे, उस हिसाब से आपको डोज यूज करना है। तो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा। वीडियो को लाइक करना न भूलें, हमें अपना प्यार देते रहिए, कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। अगर आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करने के बावजूद भी आप मुझे मेल कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेल अकाउंट है मेरा, वहाँ पर भी आप जाकर मुझे मेल कर सकते हैं। कोशिश करूँगा आपकी हर क्वेरीज का आंसर जो है मैं आपको देने की पूर्णतः कोशिश करूँगा। फिर इसी मिलेंगे तरह की किसी नए अच्छी जानकारी के साथ, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। बाबा, टेक केयर, थैंक यू वॉचिंग, स्टे हेल्दी।